दोस्तों भारतीय टीम ने सेकेंड ओडीआई मैच पूरे 300 रनों से जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, जो अभी तक आपने देखा वो सच नहीं था। दोस्तों क्या है सेकेंड ओडीआई की पूरी सच्चाई बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि इन दोनों भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ मैचेस खेल रही है। इससे पहले भारतीय टीम ने श्रीलंका से T20 मैचेस खेल रखी थी, जिसमें से भारतीय टीम ने 2-1 से वो सीरीज जीत ली है। और दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के फर्स्ट ओडीआई मैच में भी आपने काफी करिश्मा देखा होगा, उस मैच को भी भारतीय टीम ने काफी अच्छे रनों से जीता है। और इस दूसरे ओडीआई में भारतीय टीम ने काफी ही चमत्कार कर दिया। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि पहले ओडीआई मैच में विराट कोहली का सेंचुरी आया था, और वहीं आपने ये भी देखा था कि रोहित शर्मा फॉर्म में आ चुके हैं। जहां विराट कोहली ने 113 रनों की पारी खेली, वहीं रोहित शर्मा ने 83 रन बनाए। दोस्तों अब इन दोनों के फॉर्म वापस आ जाने के बाद अब टीम इंडिया काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। और दोस्तों जो हमें दूसरे ओडीआई मैच में देखने को मिला, दोस्तों भारत और श्रीलंका का दूसरा ओडीआई मैच भी बेहद ही रोमांचक रहा। इस दूसरे ओडीआई मैच में भी हमें काफी रोमांचक चीजें देखने को मिली। तो एक बार फिर से हमें विराट कोहली का एक और शतक देखने को मिला, और वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल ने भी काफी अच्छे खासे रन बनाए, इसके बदौलत टीम इंडिया 400 रन के आसपास बनाती है। दोस्तों ये बॉलिंग करने आई टीम इंडिया श्रीलंकाई बल्लेबाजों को 100 रन के अंदर ही ऑल आउट कर देती है। तो एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों ने काफी करिश्मा करके दिखाया, और भारतीय टीम को ये ओडीआई मैच पूरे 300 रनों से जिताया। दोस्तों जो ये मैंने आपको बताया है, ये एक प्रैक्टिस सेशन का है।